सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, ये कौन सा स्वर है? ये है आ, और इसकी आवाज कैसी होती है? लंबी आ। बच्चों, सबसे पहले आपको मैं आ की कहानी सुनाऊंगी, जिसमें आप आ की आवाज और उसके चिन्ह के बारे में जानोगे। तो चलिए सुनते हैं आ की मात्रा की कहानी। एक बार एक गांव था और उस गांव में व्यंजनों का घर था। वहां बहुत सारे व्यंजन रहते थे, क ख प स च ग त। अब एक दिन क्या हुआ, व्यंजनों के घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे और उन्होंने सभी व्यंजनों को बोला, व्यंजनों आप घर से बाहर मत जाना, घर के बाहर कोरोना फैला हुआ है। लेकिन सभी व्यंजन बहुत नटखट थे, वह घर वालों के बाहर जाते ही बाहर चले गए खेलने। और उन्होंने सोचा, आज तो कोई घर में नहीं है, हमें कोई देखने वाला नहीं है, तो चलो कहीं दूर चलते हैं खेलने के लिए। और व्यंजन चलते चलते कहाँ पहुंच गए, एक जंगल में। उन्होंने सोचा, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं और पेड़ हमें छाया देते हैं, तो चलो आज पेड़ों की छाओं में खेल लेते हैं। और खेलते खेलते उनको पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा और सभी व्यंजन डरने लगे, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, च व्यंजन अब क्या होगा। क च को बोलने लगा, च ख को बोलने लगा। इस तरह वो आपस में बात करने लगे और डरने लगे कि अब हम घर वापस कैसे जाएंगे, और सभी परेशान होकर वहां पर बैठ गए। इतने में वहां एक आदमी आया। कौन आया प्यारे बच्चों? आदमी। और उन्होंने कहा, अरे व्यंजनों आप किस जंगल में क्या कर रहे हो, आपको डर नहीं लग रहा? और सभी व्यंजन रोने लगे, हाँ हाँ हमें बहुत डर लग रहा है, हम यहाँ पर खेलने के लिए आए थे लेकिन पता ही नहीं चला कब रात हो गई, अब हमें अपने घर वापस जाना है। आदमी बोला, अरे तुम यहाँ से रात को वापस नहीं जा सकते। सभी व्यंजन रोने लगे, नहीं नहीं हमें अपने घर जाना है, हमें अपने घर जाना है। आदमी कुछ सोचने लगा। यही पास में एक स्वरों का गांव है और वहां रहता है आज का राजा, और उस राजा का नाम है आ, वह आपकी कुछ मदद कर सकता है। व्यंजनों ने कहा, अच्छा आज का राजा हमारी मदद करेगा, तो चलो हम राजा के पास चलते हैं। और सभी व्यंजन राजा के पास चल पड़े और सभी व्यंजन आज का राजा के पास पहुंच जाते हैं। और सभी व्यंजन बोलते हैं, महाराज हमारी मदद करो, महाराज हमारी मदद करो। राजा ने बोला, बताओ प्यारे व्यंजनों क्या बात है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? व्यंजनों ने कहा कि हम खेलने के लिए जंगल में आ गए थे और बहुत रात हो गई है, हम वापस घर नहीं जा सकते, हमें रास्ते में जंगली जानवर खा जाएंगे। राजा ने कहा, अरे आप परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं हूं आ और सभी मुझसे डरते हैं, अब मैं तुम्हें अपना चिन्ह दूंगा, और ये रहा मेरा चिन्ह, मैं हूं आ और ये है मेरा चिन्ह, अब आप सब मेरे चिन्ह को अपने साथ मिला लो तो आपकी आवाज बदल जाएगी, आप त से ता बन जाओगे, च से चा, प पा बन जाएगा, स सा बन जाएगा, क का बन जाएगा, ख खा बन जाएगा, और ग गा बन जाएगा। और जब आपकी आवाज बदल जाएगी तो आप जब जंगल से जाओगे, अगर कोई जानवर आपके पास आएगा, आप बोलना मैं हूं ता, लंबी आवाज में बोलना अपने नाम के पीछे आ की आवाज, तो सभी जंगली जानवर भाग जाएंगे क्योंकि वो मेरी आवाज से डरते हैं,
और इस तरह आप सब अपने अपने घर आसानी से पहुंच जाओगे। व्यंजन सब ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और सभी व्यंजन अपने साथ आ का चिन्ह लगाते हैं। व्यंजनों ने कहा, महाराज हम अब बिल्कुल तैयार हैं, हमने अपने कपड़े भी बदल लिए हैं और आपका चिन्ह अपने पीछे लगा लिया है जिससे हमें कोई पहचान नहीं पाएगा। सभी व्यंजनों ने महाराज का धन्यवाद किया और जंगल की तरफ चल पड़े। जैसे ही व्यंजन जंगल से गुजरे, वहां उनको कुछ जंगली जानवर दिखे, शेर, भालू, और उन्होंने कहा, आप सब कौन हो? और सभी व्यंजन जोर जोर से चिल्लाए, गा, चा, पा, सा, का, खा। और सभी जंगली जानवर डर गए, उन्हें लगा कि कोई हमसे भी ताकतवर जंगल में आ गया है। और जंगली जानवर जल्दी 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 अपनी अपनी गुफा में घुस गए और सभी व्यंजन बहुत खुश हुए। और अब सभी व्यंजन अपने साथ आ की मात्रा लगाकर अपने घर खुशी खुशी पहुंच गए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आ की मात्रा की कहानी? अब आप जान गए होंगे कि आ का चिन्ह कैसा होता है। आ का चिन्ह एक खड़ी रेखा की तरह होता है, ठीक है बच्चों? और जब आ का चिन्ह किसी भी व्यंजन के साथ लग जाता है तो व्यंजन की आवाज को बदल देता है। अभी हम क से लेकर ग तक सभी व्यंजनों के साथ आ की मात्रा लगाकर उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, टा, था, दा, धा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा, ख्या, त्रा, ग्या। बच्चों, अभी आपने देखा किस तरह व्यंजनों के साथ आ की मात्रा लगने से सभी व्यंजनों की आवाज बदल गई। इसी तरह आपको क से लेकर ग तक सभी व्यंजनों के साथ आ की मात्रा लगाकर उसको बार बार पढ़ने का प्रयास करना है। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आपका दिन शुभ हो।